दोस्तों आज का अपडेट है रिवोल्ट इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल आरवी 300 या आरवी 400, जिसको फाउंडेड किया था राहुल शर्मा, जो कि माइक्रोमैक्स के को फाउंडर थे रिवोल्ट मोटर्स। भारत की पहली इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल इन्होंने लॉन्च की थी दिल्ली से। बिल्कुल सबसे पहले लॉन्च करने का फ़ायदा इनको मिला है और पूरा फ़ायदा मिला है। इनका जो फर्स्ट बैच था वो लॉन्च करने के 24 घंटे में ही पूरा का पूरा फर्स्ट बैच इनका जो प्लानिंग थी वो पूरा सेल हो गया था। दिल्ली के बाद इनकी प्लानिंग है हैदराबाद, अहमदाबाद, अदर सिटीज़ में भी कमिंग मंथ्स में इसको लॉन्च करने की प्लानिंग है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। सिटीज़ से क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही है, डीलरशिप के लिए क्वेरीज इनको काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो उसी बात को समझते हुए ये सेकंड प्लांट की प्लानिंग कर रहे हैं और वो साउथर्न स्टेट में कहीं सेटअप किया जाएगा। ऑलरेडी 2 से 3 स्टेट्स की गवर्नमेंट के साथ उस प्लांट के लिए बातचीत चल रही है। तकरीबन 250 से 300 करोड़ इस नए प्लांट के सेटअप पर खर्चा जाएगा। पहला प्लांट जो इनका मानेसर में है उसमें ऑलरेडी 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी। तकरीबन जो प्रोडक्शन प्लांट है उसका एरिया 1 लाख स्क्वायर फुट के आसपास है और तकरीबन 1.2 लाख, तकरीबन 1,20,000 यूनिट्स एनुअली यहां पर बनाए जा सकते हैं इन बाइक्स के। वैसे अभी आरवी 400 जो इनका प्रीमियम मॉडल है उसकी 5 मंथ्स की वेटिंग पीरियड चल रही है, जबकि अगर सेकेंड प्लांट ये जल्दी से सेटअप करते तो इस वेटिंग पीरियड को कम करने में काफ़ी हेल्प होगी। वैसे अगर बात करें जो न्यू प्लांट में इनकी जो प्लानिंग है, जो राहुल शर्मा कहते हैं कि जो बिल्कुल सेकंड प्लांट जो प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तब तक वो 100% लोकलाइजेशन अचीव करने की इनकी प्लानिंग है। अभी तकरीबन 25 से 30% के आसपास ये इंपोर्ट कर रहे हैं। वैसे सब्सिडी के लिए जो 50% की लोकलाइजेशन है उसको तो अचीव करते हैं, इसलिए ऑलरेडी इन पर सब्सिडीज वगैरह मिल रही हैं। इसके अलावा उनका कहना है कि वो अदर्स प्रोडक्ट पर भी अपकमिंग जो फ्यूचर प्लानिंग है उस पर भी काम कर रहे हैं। आरएनडी सेंटर में उन प्रोडक्ट्स पर भी काम चल रहा है और बहुत जल्द आने वाले कुछ महीनों में उनकी टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी और मे बी हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर 2021 में कोई नया प्रोडक्ट, वो एक इलेक्ट्रिकल स्कूटर भी हो सकता है या और कोई प्रीमियम इलेक्ट्रिकल बाइक भी हो सकती है। अभी उस पर क्लैरिटी नहीं है बट कन्फर्म है कि उन पर आरएनडी चल रही है। वैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं शुरू से कि सर ये जो चाइनीज़ कंपनी है सुपर सोको उसकी बाइक की ही कॉपी लगती है। अब काफ़ी हद तक सही भी है, देखने में बिल्कुल लुक उसके जैसी ही है, बट यहाँ बार बार कहते हैं राहुल शर्मा के बिल्कुल उनके साथ जॉइंट वेंचर है, कई कंपनी के साथ मिलकर इस बाइक को बनाया गया है, तो उसमें एक सुपर सोको का नाम भी उन्होंने लिया था ड्यूरिंग लॉन्च। फिलहाल कुछ भी हो लेकिन दोस्तों यहाँ सीधी सी बात एक निकल कर आई है कि सबसे पहले लॉन्च करने का फायदा यहाँ पर रिवोल्ट मोटर्स को पूरा पूरा मिल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल पर काम कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि टॉर्क एक इलेक्ट्रिकल अच्छी इलेक्ट्रिकल बाइक मेड इन इंडिया 100% लोकलाइजेशन के साथ लॉन्च करेगी, बट वो काफ़ी डिले हो रहा है। वैसे हाल में ही रतन टाटा जी ने उसमें इन्वेस्ट किया, उम्मीद है कि इस साल दिवाली के आसपास उसको लॉन्च कर दिया जाए। इसके अलावा अल्ट्रा वोल्टी मेंटीज इन सब ने डेब्यू कर दिया है बट अभी तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो जब तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती मार्केट में प्रोडक्ट नहीं आएगा वो बात नहीं बनेगी, जिसका फ़ायदा यहाँ रिवोल्ट मोटर्स ने लिया है। तो ये था आज का अपडेट, आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।